हाय मैम हाय एवरीबॉडी हाय करिश्मा तो कितनी एक्साइटेड आज स्ट्रीमिंग है हद से वेब सीरीज आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज़ आई वॉच्ड द ट्रेलर विद एकता मैम एंड विद कैंसर एंड व्हेन आई वॉच्ड इट आई रियली हैड गूज बम्प्स सो आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच इट And I watched Test Case yesterday. It was amazing. But Huxley is more of my favorite, I think. So I'm gonna go and watch it. Thank you. Huxley, me, aapki character. Sorry. Why? Why? Because I worked with Ken sir, and I saw the trailer. There's something about the trailer which I felt was really simple, and there's I don't know. I just could connect to it. I felt nostalgic watching the trailer. So maybe that's why. Yes, Karishma, aap, sapo, part thi ek baar web series ka, Raag Devas. Yes, so Ken sir, main aapko last episode mein support bhi kiya tha, direct bhi kiya. Yes, uske bare mein kya kehna chahenge? Oh, he's an amazing director, so we just could shoot like one episode with him, but that was amazing. It was so quick, he knows his work. He's one of my favorite directors, he's one of the best directors I've worked with actually. So Karishma, aap film dikhai dengi? Yes, I'm doing Kapoor's again with all Balaji, with Kushal and Ridhima Pandit, and my film is going to be out in April called Hotel Milan opposite Kunal Roy Kapoor, so stay tuned guys. Wait. इधर ही करते ग्रुप चले अरविंद जशी चलो बाइट करते चलो तेजस पहले विजुअल इधर करवा तो बाद में फोटो सब साथ में एक बार विजुअल करते हैं चलो अरे रुको रुको विजुअल के लिए भेजता बात हाँ मैम इन हाउस बोथ ऑफ यू सेंटर ऑल ऑफ अरे वही हो जाता ना मैं बोलते क्या है क्या कर रहा मेरा कचरे का दोस्त है इतना नहीं बोल सकता बढ़िया ओके ओके हो गया थैंक यू अबे देख घूम कैसा रखा है ए अरविंद लगा भाई चले वीडियो जाओ बूम मैम वेट बूम कड़क रहा है Okay.
रेडी यस एक्साइटेड आज स्क्रीनिंग है सो बहुत एक्साइटेड हूँ इनफैक्ट अभी मीडिया स्क्रीनिंग होके हटी है एंड अ लॉट ऑफ माय जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हैव कॉल्ड मी और उनको बहुत बहुत पसंद आया दे स्पेशली मैसेज्ड मी एंड कॉल्ड मी एंड सेड दैट उनको कुछ अलग देखने को मिला और परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी लगी जिसके लिए थैंक यू सो मच एंड आई होप व्हेन द शो इज़ लॉन्च्ड ऑन द सेकेंड आई बिलीव लोगों को भी बहुत बहुत पसंद आएगा एंड दे विल रियली रियली ईगली वेट फॉर द नेक्स्ट लॉट टू बी लॉन्च किस तरह का प्रेशर था आप बड़ी बेटी का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं और साथ में आपकी तीन छोटी बहनें भी प्रेशर तो कोई भी कैरेक्टर प्ले करने में तो छोटी बहन होती तो भी कैरेक्टर प्ले करने पर प्रेशर होता लेकिन ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था ऑफकोर्स द कैरेक्टर इज़ वेरी काफ़ी ठहराव है कैरेक्टर में रिस्पॉन्सिबल महसूस करती है वो अपनी छोटी बहनों की ओर और घर में एक शांत प्रिय और एक जैसे कैसे कहते हैं बड़ा योर एल्डर सिबलिंग होता है तो उसको हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ता है अगर कुछ नोकझोंक हो जाती है तो उसमें अपना बड़ापन दिखाना पड़ता है तो उस सेंस में हाँ एंड ऑल माई थ्री सिस्टर्स जो हैं विच इज़ पारुल आंचल एंड निकिशा हम तीनों ने सेट पे बहुत बॉन्ड भी किया तो वो एक ऑर्गेनिकली वो एक फीलिंग आ गई यू नो कि मैं आई एम द एल्डर सिस्टर हाउ मच फन इट वाज शूटिंग इन मालाबार ओ इट वाज सो मच फन इट वाज अ लॉट ऑफ फन हमने मतलब मस्ती मजाक के बीच में फ्री टाइम में शूटिंग करी है Did you guys get free time to do shopping over there because Manali is such a beautiful place? Not so much. I got one day. तो मैंने मनाली से खूब सारी shawls खरीदी because they're beautiful there. जिनके पास free time था वो भी जाते थे मॉल रोड लेकिन हम लोग डेफिनेटली कोशिश करते थे कि हम लोग एज अ टीम रात का जो डिनर है शूट के बाद वॉट एवर टाइम इट इज़ हम लोग साथ में करें तो आई थिंक वो मोमेंट्स जो हैं वो बहुत करीब हैं हम सभी के द टाइम दैट वी स्पेंड टुगेदर एंड हम लोग बिल्कुल एक मतलब ऐसा सर्कल बन गया कि एक दूसरे से अगर ज़्यादा टाइम बात नहीं करते कुछ दिन बात नहीं करते तो थोड़ा अजीब लगता है मैं वही आज रुखसार को भी कह रही थी अरे कितने दिन हो गए बात नहीं हुई सो इट जस्ट फील्स वियर्ड वेब सीरीज का क्रेज काफ़ी बढ़ा है देखा जाता आए दिनों में उसके लिए क्या कहना है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो फिल्मों का क्रेज कम हुआ है इसके वेब सीरीज की वजह से ऑडियंस सब कंटेंट हाँ नहीं आई डोंट थिंक इसमें फिल्मों और डिजिटल कॉन्टेंट का फ़र्क है इसमें कॉन्टेंट का फ़र्क है आजकल ऑडियंसेस बहुत रियल हो गई हैं उनको इंटरेस्टिंग कंटेंट चाहिए है जैसे फॉर एग्जांपल जब से बाकी सारे बड़े प्लेटफॉर्म्स बाहर से यहाँ आए हैं स्पेशली अर्बन पॉपुलेशन का जो मेट्रो सिटीज़ और ए टियर सिटीज़ हैं उनका जो एक व्यूअरशिप है वो काफ़ी वहाँ उस ओर चली गई है फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा सेट टॉप बॉक्स मैंने रिचार्ज ही नहीं करवाया है आई थिंक डिसकनेक्ट हो गया है सो इट्स जस्ट दैट यू नो ऑडियंसेस आर वेरी इंटेलिजेंट एंड दे वांट टू सी बेटर कंटेंट, दे वांट टू सी गुड कंटेंट, लेकिन ये बात जो है वो खाली फ़िलहाल के लिए खाली अर्बन पॉपुलेशन तक सीमित है मासेस को अभी भी कॉन्टेंट मासी देखना है कमर्शल देखना है इस वजह से आई फील फ़र्क फिल्म और डिजिटल में नहीं है फ़र्क ये है कि डिजिटल में आपके पास लिबर्टी है कंटेंट की अभी हम रिसेंटली इतनी बड़ी फिल्म के बारे में सुन चुके हैं देख चुके हैं एक लिबर्टी एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है तो व्हाट ऑल डू यू हैव टू गो थ्रू यू नो एंड इट्स अनफेयर आई थिंक एज अ मेकर एज अ विजनरी एज समबडी हू हैज़ अ विजन आपको वो लिबर्टी होनी चाहिए और पहली बात दूसरी बात ये कि विदाउट नोइंग द फैक्ट्स रियल फैक्ट्स हमारी क्या हो जाता है हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो से हमारा जो सोशल सिनेरियो है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड और अफेक्टेड रहता है उसकी वजह से पुरानी चीज़ें आज हम एज एन ऑडियंस या एज सिटीजन्स ऑफ द कंट्री रीति रिवाज हो ट्रेडिशन हो रिलीजन हो हर चीज़ को इतना करप्ट और एडल्ट्रेट कर देते हैं अपनी इंटरप्रिटेशन से अपनी मिस इंटरप्रिटेशन से तो आई डोंट थिंक दैट इज़ फेयर सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बिग बून डिजिटल पे जहाँ पे आपको वो एक्सप्रेशन का फ्रीडम मिलता है तो विच इज़ वाई एवरीबडी इज़ यू नो गेटिंग डाइवर्टेड एंड वॉन्ट टू मेक स्टफ ऑन वेब क्योंकि सेंसरशिप नहीं है
कोई उठ के बोल नहीं सकता आपने ये क्यों बनाया, आपने ये क्यों बोला, उसमें तो ये दिखाया है, उसमें तो वो दिखाया है. तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग बोन एंड दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न. प्लस आज टेक्नोलॉजी यहाँ चली गई है कि आप चलते फिरते आपके हाथ में आप सब कुछ देख सकते हैं, आप जब चाहें इंटरवल कर सकते हैं. सो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आर ग्रेट पॉजिटिव्स एंड आई थिंक इसी चीज़ से हम लोगों को काफ़ी कुछ लेना चाहिए और फिल्म के कॉन्टेंट के बारे में 10 बार सोचना चाहिए वॉट वी ट्राइंग टू ट्रांसलेट और ट्रांसपायर ऑन द बिग स्क्रीन ऑल्सो. सौरभ भास्कर जी का मतलब ओपन लेटर से आप सहमत दिख रही है, देखा जाए तो मैंने फिल्म देखी नहीं है इसलिए मैं कमेंट नहीं कर सकती हूँ. आई एम श्योर उनका एक पर्सपेक्टिव होगा जिसकी वजह से उन्होंने, मैंने पूरी लेटर पढ़ी एक्चुअली, पर आई एम नॉट द राइट पर्सन एंड आई एम नॉट इन द राइट पोजिशन टू कॉमेंट ऑन इट बिकॉज आई हैवंट सीन द फिल्म. मैं देखना चाहूँगी फिल्म, बट आई रिस्पेक्ट एवरीबडीज व्यूज. इफ दैट्स हाउ शी फेल्ट, शी मस्ट हैव, she's a very intelligent girl and I know her personally. So if अगर उन्होंने अपनी open letter में बहुत politely कुछ कुछ चीज़ें जाहिर की हैं जो उन्होंने महसूस किए हैं, आई एम श्योर उन्होंने किसी लेवल पर कुछ फील किया होगा. सो लेट्स रिस्पेक्ट हर एंड लेट्स रिस्पेक्ट मिस्टर संजय लीला बंसाली एज अ मेकर एंड आई एम नोबडी टू से एनीथिंग बिकॉज आई हैवंट सीन द फिल्म. अच्छा, मूवी देखने के बाद आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? आप मिलेंगे तो देखूंगी, कमेंट कर दूंगी शायद. सीरीज में देखा जाए तो एक क्या सीक्रेट सुपरस्टार ने एक क्लिप दिखाया था जिसमें फतवा जारी हो रहे हैं कोई लड़की सिंगिंग कर रही है फ्रीडम के ऊपर, तो उसको आप किस तरह देखते हैं? सी आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट. मैं एक दूसरे लेवल पर बात करूँगी. जैसे हमारा शो जो है हक से, वो पॉलिटिकल बैकड्रॉप है उसका, लेकिन वो पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है, वो एक इमोशनल ड्रामा है. एक कहानी है चार बहनों की, उनकी माँ की, उनकी खाला की जो उनकी मासी हैं, और कश्मीर के सोशो पॉलिटिकल हालात की वजह से वहाँ के रहने वाले जो वासी हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उस पर उस चीज़ का, उस कश्मीर के हालातों का क्या असर होता है इन डे टू डे लाइफ. जो हम रोज़ घर से, अपने ही घर से निकलने से पहले हमें 10 बार सोचना पड़े, हम अपने मुंह से क्या निकाल रहे हैं. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सब कुछ देती है, लेकिन कश्मीरी पीपल आर डिराइव्ड ऑफ दैट, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ दैट, सॉरी. और ये जो स्पेशली लड़कियाँ, क्योंकि सोसाइटी अभी भी मिसोजिनिस्टिक है, पेट्रियाकल है, पुरुषों की ओर ज़्यादा इंक्लाइंड है, तो औरतें दबी हुई हैं. उनके लिए ड्रीम करना या सपने देखना या ख्वाब देखना बहुत दूर की खुद में ही एक बहुत दूर का ख्वाब है, क्योंकि उसको पूरा करने के लिए उन्हें डे टू डे लड़ाई लड़नी पड़ती है अपने आसपास के लोगों के साथ, और ये कंडीशनिंग की बात है. तो आई थिंक वो जो ओप्रेस्ड हमारे डिज़ायर्स और एस्पिरेशंस होते हैं, बिकॉज हम चारों बहनें शो में जो हैं वो एजुकेटेड हैं, तो हमें हमारे माँ बाप लकीली कश्मीर के हालातों के बीच में भी बहुत काफ़ी लिबरल मिले हैं, एंड दिस इज़ अ आई थिंक दिस इज़ एन एग्जाम्पल कि लोगों को कैसा होना चाहिए. यू नो, सेक्सिज्म नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब सेकेंडरी है. प्राइमरी ये है कि वहाँ का मेल या फीमेल पॉपुलेशन रोज़ किसी चीज़ के साथ जूझता है एवरी डे, तो वो कंडीशनिंग ही खराब है क्योंकि हालात खराब है. तो पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है इसलिए मैं पॉलिटिकली कुछ कमेंट नहीं. ओके मैम, 20 एपिसोड्स के बाद में क्या थिंक ऑफ यू चेंज हो गया? दैट इज एकताज कॉल, आई होप शी डज अ सीजन 2. वी ऑल नो व्हाट हैपेंड विद पद्मावत, सो एज एन एक्टर डज इट क्रिएट अ फियर इन योर माइंड दैट वन रॉन्ग डायलॉग एंड पीपल कैन रियली जज यू ऑन दैट? दे आर मोस्ट वेलकम टू जज मी इफ आई थिंक इट्स रेलेवेंट फॉर द स्क्रिप्ट, आई विल से इट. इफ आई थिंक इट्स you know, my maker or my director has, with a lot of thought, you know, made that a part of dialogue or maybe some sort of behavior a part of it, I'm going to follow my script at the end of the day because that's my job. If I'm saying yes to a script, matlab, I'm saying yes to everything in the script and I'm saying yes to doing everything and saying everything in the script. So I don't think that is my call. And I don't really care लोग क्या सोचते हैं. My basic objective is to be true to any script or any piece of work that I'm doing and I will always do it. Thank you so much, ma'am. Thank you.
मैंने शो देखा था, बहुत मजा आया था। आप लोगों ने देखा टेस्ट केस? हां जी, सुपर्ब है, बहुत अच्छा, सुपर्ब शो, होपिंग ये वर्क में आज हक से की बारी। पार्टी दूं यार, मैं फर्स्ट आया था क्या? सब लोग क्यों रख रहे हैं फालतू पार्टियां? लोग गुलाब रख बोलते हैं, विकास सर तो जाए सब पार्टी में, वही थक गया पार्टी में। काम के खर्चे ये बोल सकते हैं, ये ले लो, बस बस मेरे पास चार है। आज हक से की बारी है। तो क्या कहना चाहेंगे आज हक से के बारे में? आपने कभी HBO की सीरीज देखी है तो आप देखोगे कितनी हाई हैव यू। आप जब कभी हक से की से हक से बोल रहा हूँ, जहाँ कभी भी अगर आपने HBO की सीरीज देखी होंगी, एक स्टोरी टेलिंग होती है। आप एक बुक को पढ़ते हैं, वो जो फील आता है ना आपको, वो आपको आता है जब हक से का ट्रेलर देखते हो। वो एक्चुअली वो बेस्ड भी लिटिल वुमेन एक बुक के ऊपर है, पूरी की पूरी कहानियाँ। तो इतना ब्यूटीफुल लग रहा है सब कुछ जो देखने में, तो इसलिए सब लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं वो शो देखने में। कल हम लोगों ने टेस्ट केस देखा था और आज हक से की बारी है। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग टू सी कश्मीर की चार लड़कियों की कहानी। आई थिंक इट विल बी वेरी नाइस। आई थिंक सब ने पढ़ी है लिटिल वुमेन। वो एक इंग्लिश क्लासिक है जो हर किसी ने पढ़ी हुई होती है। आई थिंक बहुत ही ब्यूटिफुली ऑल्ट ने उसे इंटरप्रेट किया है आज के टाइम में, और जो प्रॉब्लम्स पहले थी और जो आज की प्रॉब्लम्स हैं उसको कितनी ब्यूटिफुली कश्मीर में जो उन्होंने पूरी स्टोरी सेट करी है, जो इश्यूज वहाँ पर वुमेन आर फेसिंग एंड हाउ दे कम अप एंड ऑल द फोर सिस्टर्स इन देयर लाइफ, आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल जर्नी। बहुत ही सैड एंडिंग भी है उसमें, बीच में ऐसे कैरेक्टर्स की चीज़ें भी हैं, तो बहुत ही ड्रामेटिक स्टोरी है। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग फॉर एनी वन एंड एवरी वन टू वॉच इट। बहुत ही फैमिली शो है। इन फ्यूचर अगर आपको कोई वेब सीरीज करने का मौका मिले तो किस तरह का वेब सीरीज करना चाहेंगे? मैं बना रहा हूँ वेब सीरीज़, आपको देखने को मिलेंगी, बहुत ही एक्साइटिंग वाली बना रहा हूँ। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी नाइस। मैं ड्रामा होता है या कॉमेडी होता है, इससे पहले मेरे दो वेब सीरीज़ क्लास ऑफ 2017 और रागिनी MMS जिस पर मैंने लास्ट काम किया था, वो आई हैं। आई थिंक रागिनी और ने काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी अच्छे नंबर्स भी लाए हैं। तो इट्स वेरी एक्साइटिंग टू सी दैट वर्क इज़ बीइंग अप्रिशिएटेड। हर समय अलग अलग जॉनर के अलग अलग शोज़ बन रहे हैं। एक तरफ हक से होता है, एक तरफ यू हैव क्लास ऑफ 2017, एक तरफ आपका टेस्ट केस होता है। सो वॉट इज़ ब्यूटिफुल अबाउट ऑल्ट इज़ दैट दे आर गेटिंग वेराइटी। तो आपकी मॉम भी देख सकते हो, आप भी देख सकते हो, हर तरह के शोज बनाए जा रहे हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम फॉर स्टोरी टेलिंग यार, हर किसी को मौका मिल रहा है। किसके साथ दिखाई देंगे इन वेब सीरीज? किसके साथ दिखाई देंगे? अभी बन जाएगा ना तो मैं आपको बताऊंगा। अभी बनने दो, पहले लिख रहे हैं हम लोग इस वक्त, लिख लेंगे फिर हम सुनाएंगे उस इंसान को और बाकी लोगों को, फिर जब वो साइन हो जाएगा फिर हम अनाउंस करेंगे कि यस दिस इज द शो वी आर मेकिंग। See the budget that is coming out, last year budget was very good, but what's going to be very interesting is that I hope that the tax level for every one of us thode lower ho, to zyada paise bachenge, zyada hum kharch karenge, economy better hogi, wo I think overall hona chahiye. And I just feel that entertainment industry na bahut hi aisi industry hai jahan par it's so difficult because yahan par श्योर शॉट गारंटी नहीं होती, एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन पैशन, कुछ चलता है कुछ नहीं चलता है। सो आई होप दैट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस द इंडस्ट्री गिव्स सो मच टू द कंट्री, वो भी गवर्नमेंट अपने ध्यान में रखे और उनको इस तरह की रिबेट्स, इस तरह की सहूलियत दें कि वो बेटर कर पाएँ और ज़्यादा रिस्क ले पाएँ। तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ द यूनियन बजट एटलीस्ट। Do you have any plans of acting in any web series? See, when it comes to facing the camera, yes, I do have plans of facing the camera because जो मैंने किया वो मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत पसंद आया हूँ और मुझे काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं। लेकिन बिकॉज मेरी प्रायोरिटी बड़ी क्लियर है कि मुझे डायरेक्शन, प्रोड्यूसिंग और राइटिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है और वो मैं करता आ रहा हूँ, और एक्चुअली मुझे बहुत पैसे मिलते हैं वहाँ से, तो आई एम सॉरी एक्टिंग मुझे इतना ज़्यादा फाइनेंशियली नहीं देता जितना कि मेरी बाकी थॉट प्रोसेस मुझे देती हैं। तो बट आई एंजॉयड माई स्टिंट एट बिग बॉस, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई विल समहाउ ऑल्सो डू सम बिट ऑफ थिंग्स ऑन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। Do you
Thank you so much. Thank you. अरे उमेश ये इधर देख ए भैया अरे क्या कर रहा अरविंद यार बोले सॉरी बेटा तो विजुअल लेन दो पहले का डिलीट मारने सर 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 सेंटर लुक हो गया डांस में मुझे डायरेक्ट किया था एंड आई एम रियली रियली क्लोज टू हिम सो आई एम हियर जस्ट टू सपोर्ट हिम एंड विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई नो मैंने इसका ट्रेलर देखा है सो आई नो इट्स लुकिंग वेरी नाइस एंड आई एम श्योर ही इज गोना किल इट अगेन सो आई एम जस्ट हियर टू विश हिम अ लॉट ऑफ लक एंड सपोर्ट हिम फोर सिस्टर्स की कहानी है एंड आई थिंक बहुत ही सॉरी ट्रेलर में दिख रहा है यू नो कि एक हर एक सिस्टर की एक एक स्टोरी है सो आई थिंक इट्स लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड देखने में भी उतना ही मज़ा आने वाला जितना ट्रेलर में लग रहा है इट्स लुकिंग वेरी इंट्रीगिंग सो या दैट्स इट थैंक यू